कक्षा 12 के सभी स्टूडेंट्स का दैनिक शर्मा की फिजिक्स क्लास में मोस्ट वेलकम। आज हम इस वीडियो में आपको जो चैप्टर है कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक्स, इसके अंदर हम कैपेसिटर जिसको हिंदी में कहते हैं संधा रित्र, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैपेसिटर, होता क्या है कैपेसिटर जिसको हम संधारित कहते हैं, आप जनरल लैंग्वेज में आपकी इसको आप कंडेंसर बोलते हैं जो कि पंखे के अंदर यूज होता है उसको आप कंडेंसर कहते हैं, परंतु इसका जो सही नेम है वो कैपेसिटर और इसको हिंदी में कहते हैं संधारित्र। तो देखिए इसको समझने के लिए हमने बताया था कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, तो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर हमने बताया द कैपेबिलिटी टू स्टोर द चार्ज बाई द कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, मतलब कि कोई भी कंडक्टर होता है उसकी एबिलिटी होती है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। अभी लास्ट वीडियो में आपने देखा था। अब देखिए कोई भी कंडक्टर है उसका साइज जो है, अगर उसका साइज स्मॉल साइज का कंडक्टर है तो इसे कहते हैं कि उसका जो उसकी जो कैपेबिलिटी होगी चार्ज को गेन करने की वो कम होगी। अब हमें चार्ज को ज्यादा स्टोर करना है तो इसका मतलब हमें बहुत बड़े साइज का कंडक्टर लेना होगा। अब बड़े साइज का कंडक्टर लेना होगा तो अगर हम कोई ऐसा अरेंजमेंट करें कि जिसके थ्रू हमें कंडक्टर का साइज भी चेंज ना करना पड़े और हम उस पर एक सफिशियंट मतलब की क्वांटिटी में हम उसको चार्ज उस पर स्टोर कर सके, तो ये जो कैपेसिटर है वो ऐसा ही अरेंजमेंट है। कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट है जिस पर हम कंडक्टर के साइज में विदाउट इंक्रीजेशन के हम उस पर सफिशियंट चार्ज को क्या कर सकते हैं, आपका स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने डेफिनेशन दिया है, देखिए डेफिनेशन क्या होता है कि क्या कहते हैं आपका कैपेसिटर का, तो देखिए लिखा है ए कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट, ए कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट विच कैन स्टोर सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ चार्ज विदाउट इंक्रीज द साइज ऑफ ए कंडक्टर। क्लियर बोला हमने कि एक साइज हम कंडक्टर का इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम उस पर एक जो चार्ज है सफिशियंट क्वांटिटी में उसको हम स्टोर कर पा रहे हैं, तो द कैपेसिटर इज अरेंजमेंट विच कैन स्टोर द सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ द चार्ज विदाउट इंक्रीज द साइज ऑफ कंडक्टर। अब और इसको हमें हिंदी में कहना चाहते हैं क्योंकि हिंदी के लैंग्वेज के स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो क्या होगा, यह एक ऐसा समायोजन है, यह एक ऐसा समायोजन है, समायोजन का मतलब अरेंजमेंट, समायोजन है जिस पर चालक के कंडक्टर चालक के आकार साइज में बिना परिवर्तन, मतलब इंक्रीजेशन कह सकते हैं इसको, परिवर्तन किए पर्याप्त मात्रा में आवेश का संचय मतलब कि स्टोर संचय किया जा सकता है, ये इसका हिंदी मीनिंग हो गया। मतलब कि एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें हम कंडक्टर के साइज को चेंज ना करें और उसके बावजूद भी उस पर सफिशियंट क्वांटिटी में चार्ज को स्टोर कर लें, क्या कहलाता है आपका, ये कैपेसिटर कहलाता है। अब कैपेसिटर को आपने देखा है पंखे के अंदर, कैपेसिटर आप यूज करते हैं तो उसके अंदर दो पिन सी निकली हुई दिखाई देती है बाहर, वो प्लेट्स होती है, तो कैपेसिटर में क्या होता है, इसके अंदर टू प्लेट्स चाहे वो प्लेन है चाहे वो सिलेंड्रिकल है, ठीक है, टू प्लेट्स ऑफ मेटल प्लेस्ड एट ए सम डिस्टेंस, दो मेटल प्लेट है वो सम डिस्टेंस पर सिचुएटेड होती है। अब देखिए इनके बीच गैप है, इस गैप के अंदर कोई भी डायलैक्ट्रिक सबस्टेंस को फिल कर दिया जाता है, मतलब कि परावैद्युत पदार्थ को इसके अंदर फिल कर दिया जाता है, या यहां पर एयर या वैक्यूम हो सकता है। अब किसी भी
तरह से, इसको हम पॉजिटिव चार्ज करते हैं, इसको नेगेटिव चार्ज करते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब हो जाता है तो ये अरेंजमेंट जो होता है ये आपका क्या कहलाता है, कैपेसिटर बन जाता है। तो कैपेसिटर का जो क्या कहते हैं जो डिजाइन है वो आपका स्फेरिकल भी हो सकता है, ठीक है, और आपका प्लेन भी हो सकता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। अब इसके अंदर कोई डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस भी यूज कर सकते हैं और क्या कहते हैं एयर भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर जब ये अपोजिट चार्जेस हो जाती है टू प्लेट है मेटल की, तो ये इसके अंदर पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाता है और दिस अरेंजमेंट क्या कहलाता है, आपका कैपेसिटर कहलाता है। अब इसके प्रिंसिपल को जानना जरूरी है, तो प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर, तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर को समझने की कोशिश कीजिए आप। देखिए जरा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर मतलब कि संधारित्र का सिद्धांत। देखिए आप समझें, आपके पास एक चार्ज मेटालिक प्लेट है, लेट अस सपोज चार्ज मेटालिक प्लेट एक्स विच इज चार्ज वाई प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, ये मेटालिक प्लेट है तो प्लस क्यू चार्ज से चार्ज है। अब इसके सामने एक अनचार्ज मेटालिक प्लेट आपको सिचुएटेड करनी है, ये अनचार्ज मेटालिक प्लेट को आपने यहां पर सिचुएटेड कर दिया। बाय द इंडक्शन एक थ्योरी होती है, प्रेरण जिसे कहते हैं, बाय द इंडक्शन जो ये वाई प्लेट है तो वाई प्लेट के इनर सरफेस पर, प्लेट वाई के इनर सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज प्रोड्यूस होगा, मतलब कि इस चार्ज के इक्वल और अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होगा, और इसके आउटर सरफेस पर इतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। कह रहे हैं कि एक चार्ज प्लेट है एक्स जो कि प्लस क्यू चार्ज से चार्जेड है, उसके फ्रंट पर एक हम अनचार्ज प्लेट लेके आते हैं, और जब अनचार्ज प्लेट को इसके यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं तो अनचार्ज प्लेट के जो इनर सरफेस है जो कि इस वाले सरफेस के बिल्कुल फ्रंट पर है उस पर इसके इक्वल और अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होगा बाय द इंडक्शन, प्रेरण द्वारा, तो हिंदी में प्रेरण कहते हैं इसको, इंडक्शन होता है। अब इसके आउटर सरफेस पर उतना ही प्लस क्यू चार्ज प्रोड्यूस होगा। अब अगले स्टेप में क्या कहते हैं, अगर हम क्या करें कि जो ये सेकेंड प्लेट है एक्स प्लेट, तो ये वाली थी एक्स प्लेट और वाई प्लेट पर यहां माइनस का क्यू चार्ज था। अगर वाई प्लेट के आउटर सरफेस को, इफ द आउटर सरफेस ऑफ द वाई प्लेट कनेक्ट विद अर्थ, इससे हम अर्थ से कनेक्ट कर दिया इसको, ठीक है, ये अर्थ हो गया, अर्थ से कनेक्ट किया है हमने, तो अर्थ से कनेक्ट किया है तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और यहां का जो पॉजिटिव चार्ज था ना उसको हम क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, वो चार्ज जो है आपका अर्थ में चला जाएगा। तो इस तरह से इन दिस वे ये जो आपका टू प्लेट्स है वो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हो जाएंगी, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी प्रोड्यूस बिटवीन द टू प्लेट्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो प्रोड्यूस इन द बिटवीन द टू प्लेट। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट एक्स एंड वाई फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अगेन कैपेसिटर का प्रिंसिपल को हमें समझना है, तो देखिए क्या समझते हैं कि एक चार्ज प्लेट एक्स को हमने सिचुएटेड रखा है, इसके बिल्कुल जस्ट सामने जस्ट फ्रंट पर एक अनचार्ज प्लेट को लेकर आते हैं जो कि मेटालिक प्लेट होगी। अब अनचार्ज प्लेट को के इनर सरफेस पर जो कि इसके फ्रंट पर है उस पर इसके इक्वल और अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होगा, और बाहर जो होगा आउटर सरफेस पर वो आपका पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। अगर बाहर के आउटर सरफेस पर, इफ आउटर सरफेस ऑफ द प्लेट वाई कनेक्ट विद अर्थ, देन आउटर सरफेस का जो चार्ज है वो अर्थ में फिल हो जाएगा और ये जो आपका जो दोनों प्लेट्स हैं वो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हो जाएंगी और उनके बीच में पीडी विल बी प्रोड्यूस, ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स।
द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एक्स टू प्लेट वाई, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। अब नेक्स्ट टॉपिक में कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब कि हिंदी मीनिंग होगा समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत धारिता। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, इसके अंदर दो प्लेट्स होती है, चाहे वो प्लेन हो या सिलेंड्रिकल हो, दो प्लेट्स जो होती है इंसुलेटेड स्टैंड पर सिचुएटेड होती है। ये इंसुलेटेड स्टैंड है, इंसुलेटेड स्टैंड मतलब कि अचालक स्टैंड है, ये इस पर ये सिचुएटेड है दोनों प्लेट्स। ये प्लेट मेटल की है और ये प्लेन हो सकती है या सिलेंड्रिकल हो सकती है। अब इनके बीच का जो देखिए ये अब क्या करना है, अब इसको अपने पॉजिटिव क्यू प्लस क्यू चार्ज दिया है, प्लस क्यू चार्ज क्या है, ये वायर होता है यहां से थ्रू प्लस क्यू चार्ज जाएगा, अब यहां क्या प्रोड्यूस होगा माइनस क्यू चार्ज ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ये वायर यहां होगा, इस वायर को हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे, अर्थ से हमने कनेक्ट कर। लेट अस सपोज प्लेट एक्स एंड वाई, टू प्लेट्स हैं मेटल की है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, टू प्लेन और सिलेंड्रिकल मेटलिक प्लेट सिचुएटेड पैरेलल टू द ईच अदर एट ए सम डिस्टेंस, द सेपरेशन बिटवीन देम इज स्मॉल डी, सेपरेशन जो है स्मॉल डी है, द ए प्लेट एरिया, द प्लेट एरिया इज कैपिटल ए, लेट द चार्ज ऑन ईच प्लेट इज क्यू, मॉड में लेते हैं, एक पर पॉजिटिव होता है दूसरे पर नेगेटिव होता है, एंड प्लेट एरिया इज कैपिटल। क्या मान के चल रहे हैं हम कि जो कैपेसिटर है उसकी प्लेट पर जो चार्ज जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्यू है, और क्या कहते हैं कि जो प्लेट एरिया है, तो जो प्लेट है एक्स वाई उसका जो प्लेट एरिया है वो आपका कैपिटल ए है। लेट द सेपरेशन बिटवीन, लेट द सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स इज स्मॉल डी, द सेपरेशन बिटवीन इज टू प्लेट्स इज स्मॉल डी। लेट अस ऑल्सो सपोज इन द दिस गैप, इस गैप के अंदर कोई भी डायलैक्ट्रिक सबस्टेंस सिचुएटेड है जिसका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या है कैपिटल के। लेट अस सपोज इन द सेपरेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज स्मॉल डी एंड दिस एंटायर स्पेस द डायलैक्ट्रिक सबस्टेंस ऑफ डायलैक्ट्रिक सबस्टेंस दिस डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कैपिटल के इज सिचुएटेड, इस पूरे सेपरेशन के अंदर एक डायलैक्ट्रिक सबस्टेंस सिचुएटेड है जिसका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या है कैपिटल के। समझ रहे ना क्वेश्चन को कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है कि टू प्लेट्स प्लेन और सिलेंड्रिकल मेटलिक प्लेट सिचुएटेड ऑन ए इंसुलेटेड स्टैंड एट ए सम डिस्टेंस, लेट द चार्ज ऑफ ईच प्लेट इज क्यू एंड सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स इज स्मॉल डी। ऑल्सो सपोज द मीडियम डायलैक्ट्रिक मीडियम
ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के सिटेटेड इन द टोटल एंटायर स्पेस बिटवीन एक्स आर वाई. देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू प्लेट. देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू प्लेट्स. मतलब दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम. इज इक्वल टू क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट. के इज द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द डायलेक्ट्रिक मीडियम. ए इज द प्लेट एरिया ऑफ द ईच प्लेट और क्यू इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट. इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट इज वी, इफ द पीडी बिटवीन टू प्लेट्स एक्स वाई इज वी, देन वी इज इक्वल टू ईडी. Then V is equal to ED, that is volt. Put the value of E here. Therefore, V is equal to Q upon KA epsilon naught. KA epsilon naught into D. KA epsilon naught into D volt. That is equation 1. हमने बताया था कि अगर हमें कभी भी कैपेसिटर कंडक्टर का कैपेसिटेंस हमें मेजर करना होता है तो फर्स्ट सबसे पहले हम उसके पर पोटेंशियल मेजर करते हैं. तो यहां पर हमने पोटेंशियल बिटवीन टू प्लेट्स को मेजर कर लिया. तो V is equal to Q upon KA epsilon naught volt. Let the capacitance of capacitor is C, then C is equal to Q upon V farad. That is equation number 2. ठीक है कि अगर हम ये माने कि संधारित्र का जो धारिता है वैद्युत धारिता है वो C है तब C की डेफिनेशन C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी फैरड इज यूनिट ऑफ कैपेसिटर फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट C is equal to Q upon KA epsilon 0 into D. Therefore, after calculation, C is equal to KA epsilon 0 upon D farad. This is a required result. The कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन बाय C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट डी. हेंस इन दिस केस वी कैन से द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर हेंस वी कैन से इन दिस केस द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड सम फैक्टर्स. फर्स्ट C प्रोपोर्शनल टू A. इसका मीनिंग हुआ कि कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो प्लेट एरिया है उसके प्रोपोर्शनल होता है. इसका मतलब प्लेट एरिया अगर ज्यादा है तो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो ज्यादा होगा. सेकेंड C प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, अगर आपका कोई भी कैपेसिटर है उसका सेपरेशन जो है दो टू प्लेट के बीच में स्मॉल डी है, तो उससे उसका कैपेसिटेंस कैसे रिलेशन रखता है, सी इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन डी, देन कैपेसिटेंस ऑफ बैलेंस कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन देम ऑफ प्लेट एक्स एंड वाई। थर्ड, सी प्रोपोर्शनल टू के, सी प्रोपोर्शनल टू के, के इज द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ डायलेक्ट्रिक मीडियम। इस तरह से ही हमने क्या लिया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या लिया है, कैपेसिटेंस निकाला है और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये आया है। अब केस देखें जरा, इफ इन केस ऑफ एयर और वैक्यूम, केस देखें जरा, इन केस इफ एयर और वैक्यूम इज प्रेजेंट बिटवीन टू प्लेट्स, क्या कह रहे हैं, देयर इज नो डायलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स, हेयर ओनली एयर और वैक्यूम इज प्रेजेंट, देन के इज इक्वल टू वन। वी नो द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फॉर एयर और वैक्यूम, वी टेक ओनली वन, देयरफोर कैपेसिटेंस ऑफ एयर कैपेसिटर सी नॉट से उसे इंडिकेट करते हैं, सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी, हेंस सी अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू के। अगर मीडियम है प्लेट के बीच में तो सी होता है, अगर एयर वैक्यूम है तो सी नॉट कैपेसिटेंस हो जाता है, इस तरह से एक रिलेशन निकल के आता है। तो आपने ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को पढ़ा है, कंडीशन क्या होती है उसको पढ़ा है। अब अच्छा है, आपकी समझ में आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करें।